हमें जाना है वहां पे। इधर लिखा हुआ है ऊपर जाना सख्त मना। चलें ऊपर। हाय एवरीवन, वी आर इन मुंबई राइट नाउ और इस जगह का नाम है हाजी मलंग। यहाँ पे मुंबई की सबसे मुश्किल ट्रैक्स में से एक ट्रैक है जिसका नाम है हाजी मलंग ट्रैक। मैं आपको दिखाता हूँ। आप सामने पहाड़ देख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। हमें जाना है वहाँ पे, वो जो सबसे छोटा और सबसे ऊंचा पहाड़ है। दिस इज द लास्ट प्लेस जहाँ तक आप अपनी गाड़ी लेके आ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से एंटर करना होता है। एक छोटा सा रास्ता दिया हुआ है। जैसे ही आप एंटर करते हैं आपको ये दिखता है सामने। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये एक रोपवे कंस्ट्रक्शन है। इसके जस्ट साइड में देखेंगे तो आपको हल्की हल्की पटरियां भी दिखाई देंगी। इसके साइड में ये रेल लाइन है, आपको इसी के साथ में एक छोटा सा रास्ता ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। इसी से ऊपर जाना है। ऊपर जाने का रास्ता इधर से। हमारी कंस्ट्रक्शन वाली पार्किंग की जगह से हमने शुरू किया था चलना ऑलमोस्ट 4 बजे और अब बज चुके हैं 5:20। तो 1 घंटे की ट्रैकिंग के बाद आप पहुंच जाते हैं इस रास्ते की पहली दरगाह पे। आपको घर से ज़्यादा पानी की बोतल्स वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है। रास्ते में आपको हर 2 मिनट पर शॉप मिल जाएंगी जहाँ से आपको ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब मिल जाता है। टाइम हो चुका है 5:30 और ऑलमोस्ट 1.5 घंटा चलने के बाद हम पहुँच चुके हैं पीर हाजी मलंग दरगाह। आप मेरे पीछे पढ़ भी पा रहे होंगे। जो भी मैंने आपको हाजी मलंग दरगाह का गेट दिखाया उसके बाद ऐसे मार्केट शुरू हो जाती है। और आपको बार बार रोकते रहते हैं कि चादर चढ़ाओ। अभी हम उधर से आए हैं और सामने आप देख सकते हैं दरगाह। यहाँ से आपको राइट साइड से रास्ता जाता है। मुझे ट्रैकिंग करते ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं और अभी कुछ ही मिनट पहले मैं हाजी मलंग दरगाह पहुंचा। शाम हो चुकी है तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। वो नीचे आप जो सामने देख रहे हैं वो है हाजी मलंग दरगाह। उससे थोड़ा सा पीछे आते हैं तो राइट साइड में 2 शॉप्स के बीच में से एक रास्ता जाता है पतला सा और यहाँ से वो रास्ता आते आते पहुँच जाता है जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे। और अब हमें चलना है इस रास्ते पे आगे। हम पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल के पास। बस कुछ ही देर और चलना है और हम पहुंच जाएंगे उस पहाड़ के ऊपर। बहुत थकान हो चुकी है लेकिन अब एक्साइटमेंट इतनी है कि थकान से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। और एक चीज़, प्लीज़ अगर आप घूमने आ रहे हैं तो गंदगी मत फैला के जाइए। आप आते हैं किसी जगह को सुंदर देखकर और वहाँ गंदगी फैला जाते हैं। वी आर अबाउट टू रीच। 3 घंटे की ट्रैक के बाद मैं पहुंच चुका हूं इस वाले पहाड़ के बेस पे और यहां पे मैं आपको कुछ दिखाता हूं। इधर लिखा हुआ है ऊपर जाना सख्त मना है। एंड माई आंसर टू दिस इज फक ऑफ।
देखिए मैं रूल्स में बहुत बिलीव करता हूँ, लेकिन अब मुझे कोई साइन बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा कि ऊपर जाना मना है, तो मैं जा सकता हूँ। तो लेट्स गो। अभी कैमरे में शायद से साफ दिख भी नहीं रहा होगा, लेकिन वो है हाजी मलंग दरगाह। और अभी हम इस रास्ते से चढ़ के ऊपर आए हैं, थोड़ा ही ऊपर और जाना है और हम पहुंच जाएंगे हमारी मंजिल पे। येस एवरीवन, आई मेड इट। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं हाजी मलंग ट्रैक के टॉप मोस्ट पॉइंट पे, एंड इट्स कम्प्लीटली वर्थ यहां पे 3 घंटे की ट्रैकिंग करके आना। बिलीव मी, यकीन नहीं होता कि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, इतनी ठंडी हवा चल रही है यहां पे, और मौसम देखिए आप चारों तरफ, बहुत ही प्यारा मौसम है। अगर आपको एक दिन की भी छुट्टी मिलती है, आप मुंबई में रहते हैं, तो प्लीज़ यहाँ पे आइए, यू गोना लव इट। यू विल से कि यार छुट्टी पे ऐसा होना चाहिए, नॉट लाइक कि पूरा दिन सोने में निकाल दिया। डू कम हेयर वेन एवर यू हैव टाइम, जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, इतना प्यारा मौसम है, इतनी ठंडी हवा आ रही है, लेकिन अंधेरा होने से पहले नीचे उतरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर रिस्की हो जाता है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड कीप ट्रैवलिंग।